राम राम सभी को, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये है ऑल न्यू रेनॉल्ट की टाइबर। इसके वेरिएंट की बात करें तो ये RXE वाला है, यानी नॉर्मल भाषा में समझाऊँ तो ये बेस मॉडल है। कार के अंदर आपको 9 डिफरेंट कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं। आज जो मेरे साथ है इसका सिल्वर कलर है। कार के साथ में ऐसी दो की देखने मिलती है जिसके अंदर एक तरफ आपको नॉर्मल मिलता है और एक तरफ जो मिलता है इसके अंदर आपको रेनॉल्ट के लोगों के अंदर क्रोम देखने को मिलता है। बात करें कार की फ्रंट से तो यहाँ सेंटर मिलता है रेनॉल्ट का लोगो, वो भी आपको क्रोम के अंदर मिलता है। लाइट के अंदर देख सकते हैं इनसाइड आपको यहाँ पे क्रोम का यूज़ करा गया है। हाई और लो बीम की बात करें तो लो बीम के लिए आपको प्रोजेक्टर दिया है येलो लाइट के साथ में। हाई बीम के लिए आपको हेलोजन सेटअप दिया है येलो लाइट के साथ में। इसके इंडिकेटर की बात करें तो ये भी आपको हेलोजन सेटअप के साथ मिलता है। यहाँ नंबर प्लेट के लिए प्लेसमेंट मिलती है। कार की फ्रंट से लुक ग्रिल की कुछ ऐसी देखने मिलती है। यहाँ पर मैट फिनिश का यूज़ करा गया। हॉर्न की प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने की मिलती है। यहाँ इसके वॉशर के देखने मिलता है। हुड पे डिज़ाइन देख सकते हैं कुछ इस टाइप से देखने मिलती है। ओवरऑल कार के फ्रंट से ऐसा कुछ लुक। आफ्टर मार्केट यहाँ पे आप एंटीना फिट करवा सकते हैं क्योंकि बेस मॉडल है, इसके अंदर आपको स्टीरियो नहीं मिलता है। इधर चलें तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाती है फेंडर पे। यहाँ पे आपको मैट फिनिश मिलती है और साइड में 182 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। यहाँ पे आपको डोर हैंडल मिलते हैं मैट फिनिश के अंदर। ORM भी मैट फिनिश के अंदर देखने मिलते हैं जो अंदर से आपको मैनुअल एडजस्टेबल करने पड़ेंगे। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। रियर के अंदर आपको ड्रम ब्रेक देखने मिलते हैं। इसकी टायर प्रोफाइल की बात करें तो ये मिलता है 165/18R14 इंच का आपको स्टील रिम देखने मिलेगा कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पीछे की साइड में भी आपको मिल जाता है मैट फिनिश में ब्लैक। 40 लीटर का यहाँ पेट्रोल का आपको टैंक देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे मैट फिनिश। और यहाँ पे चाहें तो आप फुटरेस्ट लगवा सकते हैं चढ़ने उतरने के लिए। अगर कार को लॉक करना है अनलॉक करना है आपको यहाँ पे फिजिकल की लगा के लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। मिरर देख सकते हैं ऐसे देखने के लिए मिलते हैं। फ्रंट डोर की बात करें तो ऐसा इतना वाइड ओपन हो जाएगा। इंटीरियर की बात करें तो ड्यूल टोन मिलता है ब्लैक एंड बेज के अंदर। फ्रंट के विंडो से कंट्रोल आपको यहाँ देखने मिलते हैं। चाबी रखने के लिए यहाँ ऑप्शन देखने मिलता है तो यहाँ आपको ब्लैक और यहाँ बेज मिल जाता है। स्पीकर के लिए प्लेसमेंट दे रखी है। आफ्टर मार्केट आप चाहें तो फिट करवा सकते हैं। फ्रंट सीट की बात करें तो ये मिल जाती है आपको 4-way एडजस्ट, यानी पीछे करने के लिए और रिक्लाइन के लिए मिलती है। एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं ना ही आपके लिए मिलते हैं। फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए यहाँ दे रखा है। यहाँ पे मिल जाता है लीवर आपको मैनुअल एडजस्टेबल करने के लिए। ORM कुछ इस टाइप से। कार को लॉक अनलॉक के लिए यहाँ हैंडल दे रखा है। इसको आप नीचे करेंगे तो कार लॉक हो जाएगी और इसे ऊपर करके अंदर से अनलॉक भी कर सकते हैं। तो ये है ऑल न्यू रेनॉल्ट की ट्राइबर। इसके वेरिएंट की बात करें तो RXL वाला है पेट्रोल के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। कार के अंदर आपको मिलते हैं 5 डिफरेंट कलर के ऑप्शन। आज जो मेरे साथ इसका ब्लैक कलर है। कार के साथ मिलती है इस टाइप की आपको दो चाबी, एक आपको मिलती है बिल्कुल नॉर्मल, एक के अंदर आपको मिलता है लॉक और अनलॉक के लिए और इधर मिलता है रेनॉल्ट का लोगो क्रोम के अंदर। इसके अंदर सेंटर मिलता है आपको रेनॉल्ट का लोगो क्रोम के अंदर। ग्रिल आपको मिलती है मैट फिनिश के अंदर। बम्पर देख सकते हैं, नीचे वाला स्किड प्लेट भी आपको इसके अंदर मैट फिनिश के अंदर मिलता है। इसकी लाइट की बात करें तो आपको लो बीम के लिए मिलता है प्रोजेक्टर येलो लाइट के साथ में और हाई भी मिलती है आपको इसके अंदर हेलोजन सेटअप के अंदर येलो लाइट के अंदर। यहाँ इंडिकेटर लाइट भी आपको हेलोजन सेटअप में मिल जाती है। अभी मैंने कार स्टार्ट कर रखी है और इसका AC भी ऑन है तो इंजन का साउंड आप सुन सकते हैं। तो पर्सनली 3 सिलेंडर वाला इंजन 1000 cc के अंदर मुझे तो काफ़ी अंदर साइलेंट लगा है। बाहर भी ऐसा कोई ज़्यादा साउंड नहीं है कार के अंदर। इधर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 182 mm का इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। फ्रंट टायर प्रोफाइल की बात करें तो ये मिलता है आपको 165/18R14 इंच का आपको स्टील रिम मिलता है व्हील कवर के साथ में। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक है। रियर के अंदर आपको ड्रम ब्रेक है। बॉडी कलर इसके अंदर आपको साइड डोर हैंडल मिलता है मैट फिनिश के अंदर। मैट फिनिश के अंदर आपको मिलता है इसके अंदर साइड ORVM। ये इलेक्ट्रिक फोल्ड नहीं होते ना ही इलेक्ट्रिक एडजस्ट होते हैं, ये मैनुअल करने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको एंटीना की प्लेसमेंट मिलती है। अभी एंटीना लगा हुआ नहीं है क्योंकि कार जो है स्टॉक यार्ड पे है। आपको जब परचेस करेंगे या फिर आप इसकी डिलीवरी लेंगे तब आपको यहाँ पे एंटीना लगा हुआ मिलता है। तो ये कार की साइड प्रोफाइल। इस वेरिएंट की अगर मैं वारंटी पीरियड की बात करूँ तो इसके अंदर आपको वारंटी पीरियड मिलता है 2 साल का 50,000 किलोमीटर के साथ में। अप टू चाहे तो आप एक्सटेंड करा सकते हैं। और यहाँ फेंडर में मिलता है आपको इंडिकेटर लाइट हेलोजन सेटअप के अंदर। इसके फ्रंट डोर की बात करें तो आपका ये इतना वाइड ओपन हो जाता है। और रियर डोर की बात करें तो ये आपका इतना वाइड ओपन हो जाता है। अब कार के कैबिन के अंदर चलते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो इसको करते हैं पूरा पीछे और अंदर बैठते हैं। तो एज सच चढ़ने उतरने में बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये फैमिली कार है। डायरेक्ट आप चाहें तो कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी, बट चाहें तो आप 7 सीटर से किसी भी कार के इस प्राइस पॉइंट से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ मिल जाते हैं लाइट के कंट्रोल हाई और लो बीम के लिए, साथ साथ डिपर के लिए यहाँ मिलता है इंडिकेटर के साथ में। इधर फ्रंट वाइपर कंट्रोल मिलता है। हॉर्न की प्लेसमेंट यहाँ मिलती है। हॉर्न का साउंड सुना देता हूँ तो हॉर्न का साउंड ऐसा कुछ रेनॉल्ट का लोगो। यहाँ पे एयरबैग देखने को मिल जाता है इस वेरिएंट के अंदर। स्टीयरिंग की बात करें तो ये ओनली टिल्ट मिलती है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलती है और इसको नीचे से लगाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। यहाँ मिलते हैं लाइट के लेवल को हाई और लो बीम के लिए, यानी आपको सेट करना है मतलब अप एंड डाउन उसके लिए यहाँ मिलता है आपको। और ये भी नई गाड़ी है तो काफ़ी बहुत टाइट है।
नीचे साइड में पैडल मिल जाते हैं आपको, डोर करते हैं बंद, 1 लीटर की बोतल रखने के लिए मिल जाता है स्पेस, और बिल्ट इन क्वालिटी रेनॉल्ट की इस कार की तो बहुत अच्छी है, मुझे तो पर्सनली लगा है। यहाँ पे आप स्टीरियो फिट करवा सकते हैं आफ्टर मार्केट या रेनॉल्ट से, या आप पे डिपेंड करेगा। एसी वेंट यहाँ डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने मिलता है आपको, ओवरऑल यहाँ मिल जाते हैं आपको मैनुअल एडजस्टेबल एसी हीटर दोनों काम करने वाली। इसकी डिग्गी ओपन करनी है उसके लिए यहाँ बटन दे रखा है, यहाँ ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है इसके अंदर हैजार्ड लाइट कंट्रोल के लिए, डिफोगर ऑन करना है उसके लिए दे रखे हैं, पैर पे हवा चाहिए उसके लिए, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे चाहे तो एडिशनल फिट करवा सकते हैं। नीचे साइड में 12 वोल्ट का चार्जर, स्पेस अच्छा खासा, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन रिवर्स गियर के साथ में, 3 इसके अंदर पार्किंग सेंसर मिलेंगे, पीछे दिखा दूँ कहाँ स्पेस मिलता है उसमें, मतलब कहाँ लगे मिलते हैं। यहाँ पे 2 कप होल्डर छोटे छोटे, बड़े सारे कप होल्डर, हैंड ब्रेक सीटें हैं, फैब्रिक मिलने वाली है, ये भी ड्यूल टोन ब्लैक एंड बीच के अंदर। यहाँ मिलता है ग्लव बॉक्स फर्स्ट एड किट के साथ में, कार की मैनुअल डायरी के साथ में, चाहे तो और कुछ भी, और सामान देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पेस है यार, बहुत ज़्यादा स्पेस मिल रहा है इस कार के अंदर आपको फैमिली के हिसाब से। ओआर में बात करें तो ये ना ही मैनुअल एडजस्टर मिलता है, ना ही ऑटोमेटिक, ये सिंपल मिलने वाला है प्लेन एंड सोबर। यहाँ मिलती है एक लाइट LED जिसको आप डोर पर करना चाहें वैसे कर सकते हैं, आप डिपेंड करेगा जैसे आपको सेट करना उसके हिसाब से। यहाँ बात करें यहाँ मिल जाता है आपको प्लेन, इधर मिल जाता है आपको प्लेन, और रूफ़ कुछ ऐसी देखने के लिए मिलती है आपको इसी के अंदर। तो इसके क्लस्टर की बात करते हैं, उससे पहले मैं कार के सेफ्टी वाइज फीचर्स के बारे में बताता हूं। तो 1 बीप करेगा 80 पे, 120 पे कार कंटिन्यू बीप करेगी, 4-स्टार ग्लोबल इनकैप ने इसको दी है। कार के अंदर 2 एयरबैग मिलते हैं, एक इधर मिलते हैं, टायर प्रेशर मोटर मिल जाता है जो क्लस्टर के अंदर देखने के लिए मिलता है, इसके अंदर सीट बेल्ट वार्निंग देखने की मिलती है। कार की ब्रेकिंग ट्रैक्शन की बात करें ABS मिलता है, EBD मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, और आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के साथ मिल जाता है। ये इसके अंदर आपको सेफ्टी वाइज फीचर्स मिल जाते हैं कार के अंदर। तो फ्रंट सीट को फटाफट आगे कर लेते हैं जिससे क्या आइडिया हो जाएगा कि आपको पीछे कितना है। तो देख सकते हैं नीरोम अच्छा, मेरी हाइट 5'11" है, उसके बाद भी मुझे नीरोम अगर अच्छा मिल रहा है और हेडरूम भी अच्छा खासा मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी फिजिकल की लगाने के लिए यहाँ ऑप्शन दे रखा है। मैं इंजन भी बार स्टार्ट करके आपको साउंड सुना देता हूँ कार का। तो देख सकते हैं AC सब कुछ ऑफ है, फ्यूल वार्निंग के लिए भी इसके अंदर आपको दिखाएगा, और इंजन बहुत साइलेंट मिल जाता है। और इसे क्लस्टर यूज़ करना है तो काफ़ी यूनिक फीचर दे रखा है, जैसे एक बार आप दूर से देखेंगे तो आप इसके अंदर हड़बड़ाहट में ढूंढेंगे कि आपको इसके अंदर क्लस्टर के बटन्स कहाँ हैं, वो यहाँ पे दे रखा है आपको क्लस्टर के अंदर ही। और यहाँ पे वो कांच नहीं है, इस टाइप से इसको यूज़ करा गया, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी यूज़ अच्छे से यूज़ करा। ट्रिप भी देख सकते हैं, रेंज देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ पे इंस्टेंट आपको एवरेज देखने को मिलता है, आप क्या एवरेज निकाल रहे हैं, फ्यूल यूज्ड कितना लीटर यूज़ करा है, फिर एवरेज, यहाँ पे टायर प्रेशर के लिए देखने मिल जाता है, और यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर क्लस्टर के अंदर मिलती है, और यहाँ आपको रेनॉल्ट लिखा हुआ मिलता है, और यहाँ पे आपको इसके अंदर क्लस्टर के अंदर इस टाइप से ब्लू लाइट्स का यूज़ करा गया है, जो एक पेपर टाइप का यूज़ करा, तो बट ये नाइट के अंदर काफ़ी अच्छा लगेगा आप चलाते वक्त कार चलाएंगे तब। तो फ्रंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, अब चलते हैं इसकी मिडल रो में, फिर लास्ट रो के अंदर चलेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपन इसकी लास्ट रो के अंदर। तो सीट को आपको ऐसे कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद आप पीछे आ सकते हैं। ये सीट आपको इसके अंदर आगे पीछे करने के लिए मिल जाती है, तो ये 4-वे एडजस्ट हो जाती है ये भी, और पीछे वाले हेडरेस्ट जो है ये एडजस्टेबल मिल जाते हैं, तो ये 6-वे एडजस्ट हो जाती है, और यहाँ वाले भी एडजस्टेबल मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको छोटा मोटा स्पेस, यहाँ पे आप रख सकते हैं कुछ हुक वुक टाँकने के लिए, सीट बेल्ट मिल जाती है पीछे की साइड में भी। तो मेरा मानना ये है अगर लॉन्ग ट्रिप पर ना जाऊँ तो पीछे बच्चे बैठा के जा सकते हैं 1000 किलोमीटर के आसपास, अगर 400-500 जाएंगे तो मेरे जैसे पीछे अडर बैठ सकते हैं 2, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे हैं जो 3 बैठ सकते हैं, क्योंकि सीट जो है काफ़ी ब्रॉड है आपकी, कुछ देख सकते हैं काफ़ी ब्रॉड है, तो वैसे कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं तो और अच्छी बात है। अब इसकी आगे वाली रो पे चलते हैं कैसे, वैसे चढ़ने उतरने में ऐसे कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, मेरी हाइट जैसा भी कोई चढ़ सकता है उतर सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीट को यहाँ पे लीवर दे रखा है जिससे आप इसको रिक्लाइन कर सकते हैं, और यहाँ से इसको पीछे करने के लिए मिलता है कुछ इस टाइप से, तो यहाँ पे लीवर दे रखा है जिससे आप आगे पीछे कर सकते हैं सीट को, और यहाँ पे मिल जाता है इसका लीवर जिससे कुछ इस टाइप से इसको ऊपर करेंगे तो सीटें ऐसे आप रिक्लाइन कर सकते हैं, काफ़ी हैवी है सीटें। यहाँ बैठते हैं तो देख सकते हैं थाई सपोर्ट, नी रूम, सब कुछ अच्छा खासा है इसकी मिडल रो के अंदर, तो एडजस्टेबल मिल जाते हैं तो ये और अच्छी बात है, तो ये भी अच्छी बात है। बट यहाँ मिलता है आपको मैनुअल आपके मिरर के कंट्रोल, स्पेस, स्पीकर की रिप्लेसमेंट दे रखी है, आफ्टर मार्केट फिट करवा सकते हैं, रियर से कैबिन कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। अब कार की चलते हैं बूट की तरफ में, तो ऐसे सीटों कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीटें काफ़ी अच्छी खासी क्वालिटी की यूज़ करिए, फैब्रिक यूज़ करिए उसके बाद भी। तो बूट ओपन में आप देख सकते हैं यहाँ आपको 80 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इन सीटों को अगर फोल्ड कर देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, कुछ इस टाइप से अगर फोल्ड कर देंगे तो आपको, मेरे हिसाब से अगर सारी सीटें फोल्ड कर देंगे तो यहाँ पे आपको लमसम 800 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा अगर सारी सीटों को फोल्ड कर देंगे।
पूरा पैक मिल जाता है यहाँ पे। इसके अंदर बटन जो है यहाँ प्रोवाइड कर रखा है। हेलोजन सेटअप में आपको लाइट मिल जाती है नंबर प्लेट के लिए। यहाँ पे मिल जाता है आपको रेनॉल्ट का लोगो, ड्राइवर आपको लिखा हुआ मिल जाता है। रियर टेल लाइट की बात करें तो हेलोजन सेटअप मिलती है इंडिकेटर के साथ, और रिवर्स लाइट, तीनों चीज़ें इसके अंदर हेलोजन सेटअप मिलती है। यहाँ रेनॉल्ट क्रोम में लिखा हुआ मिलता है। पीछे साइड में यहाँ तीन पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। यहाँ साइलेंसर की पोजीशन यहाँ देखने मिलती है। हाई स्टॉप लैंप यहाँ मिलता है। वॉशर आपको प्रोवाइड कराया गया है, मतलब स्पेस आप चाहें तो, मतलब स्पेस दे रखा है तो आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं। ओवरऑल कार का इधर से ऐसा कुछ लुक, इंजन में कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। ऊपर साइड में इंसुलेशन मिल जाता है। इंजन की बात करें तो ये मिलता है 1000 सीसी का आपको इंजन, 3 सिलेंडर के साथ में। ये फ्रंट व्हील ड्राइव मिल जाता है जो पावर प्रोड्यूस करता है 71 bhp। टॉर्क की बात करें तो 95 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ARI के क्लेम की बात करें, इसका एवरेज क्लेम करा है 19 किलोमीटर का, तो आपको एवरेज अच्छा खासा मिल जाता है। इसकी वारंटी पीरियड की बात करें तो 2 साल की आपको वारंटी मिल जाती है 50,000 किलोमीटर के साथ में। इस वेरियंट की एक्सशोरूम प्राइस की बात करें तो आपको मिलती है 5,99,500 जयपुर राजस्थान के अंदर, ये आपको एक्सशोरूम प्राइस मिल जाती है। कार का डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने मिलता है। इसके इंटीरियर कलर की बात करें तो ड्यूल टोन मिलता है ब्लैक एंड बीच के अंदर। यहाँ पे आपको मिल जाती है एक इंफोटेनमेंट के लिए स्क्रीन। इसके अंदर आपको मिलता है FM, रेडियो, USB और ऑक्स के लिए। इनसे आप इसके अंदर आप गाने वाने चला सकते हैं। इसके अंदर आपको 2 स्पीकर देखने मिलते हैं। स्पीकर जो है आपको फ्रंट में देखने मिलते हैं। इसके USB पोर्ट के लिए आपको यहाँ मिल जाता है, और एक आपको इधर घुमाएंगे तो आपको एक यहाँ लगाने के लिए मिल जाता है, तो ये काफ़ी यूनिक मिलता है। इधर आपको चेंज करने के लिए मिल जाता है, सॉन्ग्स के लिए, सेटअप के लिए मिल जाता है, टेलीफोन उठाने के लिए फ़ोन आएगा उसके लिए, टैक्स के लिए मिल जाता है, रेडियो और मीडिया के लिए मिल जाता है, और यहाँ बैक जाने के लिए, और यहाँ FM के लिए बटन मिल जाते हैं चैनल को चेंज करने के लिए 1, 2, 3 ऐसे करके। यहाँ ओके करके आप अपने हिसाब से चैनल को सेट कर सकते हैं, ऐसे डाउन करके, और ये ओके सेट हो जाएगा और यहाँ से ऑफ हो जाएगा, और यहाँ से इसकी वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मिलता है आपको इसके हैजार्ड लाइट के लिए कंट्रोल। यहाँ से कार को लॉक कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए मिल जाता है। जैसे ट्रैक्शन ऑफ करेंगे तो यहाँ पे लाइट ऑफ हो जाएगी, और ऑन करेंगे तो यहाँ लाइट दिखेगी आपको क्लस्टर के अंदर। मैनुअल एडजस्टेबल आपको AC देखने के लिए मिल जाता है। AC हीटर का दोनों काम करेगा। यहाँ सेंटर में AC को ऑन ऑफ करने के लिए बटन है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अपने हिसाब से आप फैन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, सर्कुलेशन को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इधर आपको मिल जाते हैं कंट्रोल, पैर पे हवा चाहिए, मुंह पे चाहिए, डिफोगर ऑन करना उसके लिए कंट्रोल। यहाँ एडिशनल आप चाहें तो यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर एक और लगा सकते हैं। यहाँ पे स्पेस मिलता है, बट नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जर एक और मिलता है, वो कंपनी से ही मिलता है। यहाँ पे बस आपको इसके अंदर प्लग लगवाना पड़ेगा। स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर मिल जाता है आपको इसके अंदर 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, एक रिवर्स मिल जाता है। कार के अंदर आपको कैमरा नहीं मिलता, बट आपको इसके अंदर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, तो ऐसा कुछ करके आपको इसके अंदर पार्किंग सेंसर है उसका साउंड आता है। यहाँ मिलता है आपको 2 कप होल्डर। यहाँ पे एक बड़ा सारा स्पेस मिल जाता है। पीछे वाले AC वेंट्स के लिए यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाता है, जैसे स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए 1, 2, 3, तो 3 आपको लेवल मिल जाता है पीछे वाले AC वेंट्स के लिए। यहाँ मिल जाता है इसका हैंड ब्रेक। सीट आपको फैब्रिक देखने में मिलती है कुछ इस टाइप से, ये भी आपको ड्यूल टोन मिल जाती है ब्लैक एंड बेज के अंदर। इधर वाली मिलती है आपको 4-way adjust, मेरी साइड वाली भी 4-way adjust मिलती है, आपके लिए नहीं मिलती है। ये खाली आगे पीछे सीट को रिक्लाइन करने के लिए मिलते हैं, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं, ये फिक्स मिलते हैं। इधर मिलता है आपको ग्रैब हैंडल, इधर मिलता है आपको प्लेन, इधर मिलता है इसका IRVM जो आपको मैनुअल नहीं मिलता, ना ही ऑटोमेटिक मिलता है, ये फिक्स मिलता है। यहाँ पे आपको केबिन के लिए लाइट मिल जाती है, जैसे एक पर्टिकुलर ऑफ है ये मिलती है डोर पे, और यहाँ से डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं, वापस ऑफ कर देता हूँ मैं। और यहाँ मिलता है माइक, जिसकी आप प्लेसमेंट दे रखी, कंपनी से लगवाना चाहें आफ्टर मार्केट लगवाना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ मिल जाता है इसके अंदर टोल रिसीव के लिए। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये ओनली टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता। सेंटर में आपको रेनॉल्ट का लोगो मिलता है। इस वेरिएंट के अंदर आपको 2 एयरबैग मिल जाते हैं, ओवर स्पीड वार्निंग मिल जाती है। ग्लोबल इनके आपने इसको 4-स्टार रेटिंग दी है, तो सेफ्टी वाइज आपको ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इसके ब्रेकिंग ट्रैक्शन की बात करें तो कार के अंदर ABS मिलता है, EBD मिलता है, ब्रेक असिस्ट मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है, हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के साथ मिल जाता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है आपको सेफ्टी वाइज। यहाँ मिलता है आपको डिजिटल क्लस्टर, क्लस्टर के अंदर इस साइड मिलता है आपको RPM के लिए, यहाँ स्पीड के लिए देखने मिलता है। इसके अंदर एग्जिट आप किलोमीटर देख सकते हैं, एग्जिट आप एवरेज देख सकते हैं, एग्जिट इसके अंदर आप ट्रिप A, ट्रिप B देख सकते हैं, उनको रीसेट करना चाहे तो उसके लिए यहाँ बटन है। इधर आपको टेम्परेचर देखने मिलता है, इधर आपको फ्यूल के लिए देखने मिलता है। फ्यूल की लाइट अगर ब्लिंक कर रही है तो एक सर्टन लेवल से आपका पेट्रोल कम हो चुका है, 5 लीटर या 4 लीटर जो रिजर्व के अंदर रहता है उसके बाद ही लाइट चालू होती है। तो इसके अंदर आपको अगर लाइट चालू हो जाती है कोई इमरजेंसी के अंदर, ये सारी लाइट है, तो आप समझ लीजिए आपकी कार के अंदर कोई फॉल्ट है, उसको आप तुरंत सर्विस सेंटर पर ले जाइए। अगर कार चलते वक्त ये बंद हो जाती है तो कार के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अभी हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो हैंड ब्रेक के लिए भी लाइट है, सीट बेल्ट नहीं लगा रखी तो सीट बेल्ट के लिए भी लाइट जल रही है इसके अंदर। इधर मिलता है आपको फ्रंट वाइपर कंट्रोल, इधर मिलता है आपके लाइटें कंट्रोल, ऑफ करने के लिए DRL, चालू करने के लिए DRL, इन द सेंस इसके अंदर एक छोटी सी लाइट मिलती है आपको आगे वाली लाइट के अंदर, तो उसको ऑन करने के लिए, और हाई बीम ऑन करने के लिए, और चाबी जो है आपकी यहाँ लगेगी। तो स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो काफ़ी लाइट है, इजिली आप एक हाथ से चलाते वक्त इसको घुमा सकते हैं। और इधर मिलता है आपको साइड वाले ORM को मैनुअल एडजस्टेबल करने के लिए। AC वेंट्स के अंदर आपको
ड्राइवर साइड और कोपेसिन साइड वाले के अंदर देखने मिलेगा क्रोम। बाकी यहाँ पे आपको मैट फिनिश देखने मिलती है। इसके ग्लव बॉक्स को ओपन करने के लिए यहाँ पे लीवर दे रखा है, तो इसके अंदर आपको काफ़ी डीप स्पेस देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको फर्स्ट एड किट और कार की मैनुअल डायरी देखने को मिलती है। अभी कार का इंजन स्टार्ट है, एसी भी मैंने ऑन कर रखी है, तो आप कैबिन के अंदर इंजन का साउंड सुन सकते हैं। तो पर्सनली मुझे तो इसका इंजन काफ़ी साइलेंट लगा है। सीट की जो पोजीशन है ये भी अच्छी खासी मिल जाती है आपको, विजिबिलिटी के अंदर कोई दिक्कत नहीं हुई कार चलाते वक्त। इधर मिलते हैं आपके फ्रंट विंडो के कंट्रोल, जो आपको डाउन के लिए मिलते हैं नॉर्मल और अप के लिए भी नॉर्मल देखने के लिए मिलते हैं। साइड ओवरव्यू कुछ ऐसा देखने मिलता है। मैट फिनिश में आपको डोर हैंडल मिलता है। यहाँ पे आपको मिलते हैं 1 लीटर की बोतल के लिए स्पेस। यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट है, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का यूज़ करा गया और यहाँ पे चाबी रख सकते हैं। और यहाँ बेज और ये वही ब्लैक कलर देखने मिलता है इस साइड भी आपको। यहाँ पे आपको तीनों पेडल देखने के लिए मिल जाते हैं। इधर मिल जाता है आपको लाइट एडजस्ट करने के लिए, मतलब आपको अप एंड डाउन करने के लिए। मैं वो थोड़ा पास से दिखा देता हूँ, तो उसके लिए कंट्रोल यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ से आप इसका फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हैं। और सीट की कुशनिंग की बात करें तो अच्छी खासी कुशनिंग मिल जाती है। सीट को मैं ऑल्दो पूरा पीछे कर देता हूँ, जिससे आइडिया हो जाएगा पीछे वाले सीट पे कितना क्या स्पेस मिलता है। वैसे यहाँ थाई सपोर्ट अच्छा खासा है, नी रूम अच्छा खासा है, हेड रूम अच्छा खासा है, तो एज सच फ्रंट में कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ अच्छा मिल जाता है फ्रंट के अंदर स्पेस के अंदर। तो यहाँ पे जो गेयरबॉक्स है इस पर लेदर का यूज़ करा गया है और यहाँ पे पूरा हार्ड प्लास्टिक का यूज़ है। अब चलते हैं इसकी मिडल वाली रो के अंदर, फिर चलेंगे इसकी लास्ट रो के अंदर। तो बीच वाली सीट पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ से डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने को मिलता है। एक सीट जो है मैंने पूरी पीछे का रखी है, तो यहाँ पे नी रूम थोड़ा कम मिल रहा है। एक सीट जो है थोड़ी आगे है, तो यहाँ पे नी रूम अच्छा खासा मिल रहा है। यहाँ पे थाई सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा है, छोटा सा हम्प है, तो आप आराम से तीन जने बैठ सकते हैं। इधर उधर होने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और यहाँ तीनों पैसेंजर के लिए पीछे साइड में आपको सीट बेल्ट मिल जाती है। पीछे वाले दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, एक इस साइड मिलता है और एक आपको इस साइड देखने मिलता है। सेंटर वाला आपको एडजस्टेबल नहीं मिलता। सीट जो है इसको भी आपको आगे पीछे करने के लिए यहाँ पे लीवर दे रखा है, इनकेस आपको करनी पड़े तो ये मिल जाती है आपको 4-way एडजस्ट, जिसके अंदर आगे पीछे और दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट के लिए मिल जाता है, तो 4-way एडजस्ट मिल जाती है। स्पीकर के लिए आपको प्लेसमेंट दे रखी है, आप चाहे तो आफ्टर मार्केट के अंदर पीछे भी लगवा सकते हैं। एसी वेंट्स आपको यहाँ देखने मिलता है और ये जो विंडोज के लिए कंट्रोल है वो आपको मैनुअल मिलता है कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे भी आपको सेम देखने मिलता है, बेज और ब्लैक कलर का। मैट फिनिश में आपको डोर हैंडल मिलता है। इधर मिलता है आपको ग्रैब हैंडल और इधर भी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है इस साइड में। अब इसकी लास्ट रो के अंदर चलते हैं, कैसा क्या स्पेस मिलता है उस बारे में बताता हूँ। तो इसकी पीछे वाली सीट पे मैं आ चुका हूँ, यानी लास्ट रो के अंदर। तो यहाँ पे नी रूम तो मुझे अच्छा खासा मिल रहा है अगर ये सीट आगे रहेगी तो। ये वैसे सीट जो है बच्चों के लिए ज़्यादा बेटर है। अगर मैं फैमिली के साथ 400-500 किलोमीटर जाता हूँ तो इस पर दो जने आराम से बैठ सकते हैं लास्ट वाली रो के अंदर, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। यहाँ दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, दोनों के लिए आपको सीट बेल्ट मिल जाती है। यहाँ पे छोटा मोटा स्पेस और यहाँ पे आपको मिल जाता है हुक के लिए। तो SH पीछे ज़्यादा बेटर रहेगा, आप बच्चे बैठा के चलें। बट यहाँ पे आपको साइड में छोटा सा साइड मिरर देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है और इधर भी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। अब आगे चल के बताता हूँ ये आपको सीट ऑपरेट कैसे करनी है। वैसे तो आपको बोथ साइड में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के लिए स्टिकर दे रखा है कि आपको कैसे सीट को ऑपरेट करना है, बट आपको बता देता हूँ। एक लीवर आपको यहाँ मिलता है, ये आपको सीट को डायरेक्ट आगे पीछे करने के लिए मिल जाता है। इसको आप ऐसे कर देंगे तो ये पीछे आ जाएगी और यहाँ पे रुक जाएगी। जैसे इस लीवर को खींचेंगे तो आपकी सीट आपको आगे पीछे करने के लिए मिल जाएगी ईजिली। और वो वाली सीट जो है वो फोल्ड हो जाती है, ये वाली पूरी फोल्ड नहीं होती है और वो आगे भी हो जाती है एज इट इज़, मतलब ऐसे खड़ी हो जाएगी, फिर वहाँ से ज़्यादा अच्छे से आप पीछे आ सकते हैं। बट ये वाली जो है ये इतनी ही रहती है। और बात करें इसको बंद करके, तो यहाँ 40 लीटर का पेट्रोल का टैंक देखने मिलता है। इस साइड से कार की ओवरऑल प्रोफाइल कुछ ऐसी, यहाँ ड्राइवर आपको क्रोम के अंदर लिखा हुआ मिलता है रेनॉल्ट के लोगों के साथ में, और रेनॉल्ट जो है नीचे साइड में आपको क्रोम में लिखा हुआ मिलता है। इसके अंदर रिवर्स के अंदर आपको तीन पार्किंग सेंसर देखने मिल जाते हैं। यहाँ पे लाइट की बात करें तो हेलोजन सेटअप में मिलती है। इसकी मेन लाइट भी हेलोजन सेटअप में मिलती है, रिवर्स लाइट भी और इंडिकेटर लाइट भी। और यहाँ मिल जाता है हाई स्टॉप लैंप। इसके बूट स्पेस की बात करें तो 84 लीटर का इसके अंदर आपको बूट स्पेस मिल जाता है। अगर ये वाली सीटें फोल्ड कर देते हैं तो 300+ का बूट स्पेस हो जाएगा। आगे वाली फोल्ड कर देंगे, मतलब दोनों सीटों को एक साथ, ये वाली और वो वाली, तो 600+ आपको बूट स्पेस हो जाता है। यहाँ मिलता है आपको पूरा पैक और इसका जो बूट एक्सेस करने के लिए बटन जो है यहाँ मिल जाता है। नंबर प्लेट की लाइट मिलती है आपको हेलोजन सेटअप के अंदर, और ये हाइड्रोलिक मिल जाता है बूट ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए। और इसका स्पेयर व्हील जो है आपको यहाँ देखने मिलता है, ये आपको सेम टायर प्रोफाइल के साथ मिलता है स्टील रिम के अंदर। इधर से बात करता हूँ मैं प्रोफाइल की, तो ये साइड प्रोफाइल कुछ ऐसे देखने मिलती है। और पर्सनली ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है देखते वक्त। इसका हुड ओपन करते फिर कार के इंजन की बात करते हैं। तो कार का हुड ओपन होने के बाद देख सकते हैं इंजन में कुछ ऐसा देखने मिलता है। ऊपर साइड में आपको इंसुलेशन मिल जाता है। इसके इंजन की बात करें तो ये BS6 फेस टू वाला है फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ में। इंजन जो है ये 1000cc वाला है 3 सिलेंडर के साथ में, जो पावर प्रोड्यूस करता है 71 bhp। टॉर्क की बात करें तो 90 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है, 90 यानी 90 Nm टॉर्क।
एयर आइनिस कार का एवरेज क्लेम करा है 19 किलोमीटर का, बट आप मेरे हिसाब से चलाएंगे सिटी के अंदर तो आप 15-16 का निकाल लेंगे, हाईवे पे आराम से चलाएंगे 80 से 100 के बीच में तो 20 प्लस का एवरेज आराम से निकाल सकते हैं। होटो करते हैं बंद, फिर कार की करते हैं एक्सशोरूम प्राइस की बात। ऑल न्यू रेनॉल्ट ट्राइबर RXL मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल की एक्सशोरूम प्राइस मिलती है आपको 6,80,000 एक्सशोरूम जयपुर राजस्थान के अंदर। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।